एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं हूं पूनम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी व्लॉग्स ऑफिशियल। सो कैसे हैं सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। सो आज का ये जो व्लॉग है मदर्स डे स्पेशल। बट हाँ, आई नो जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक मदर्स डे नहीं रहेगा, बट उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक माँ के लिए तो साल के सारे दिन होते हैं यार। बिना माँ के तो मतलब कुछ भी इमेजिन ही नहीं कर सकते। और सो देखिएगा, लेकिन मेरी इस वीडियो में ये सिर्फ मदर्स डे पे ही नहीं होगी बेस्ड, कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पिछली वीडियो में जो मैंने हेयर मास्क बताया था उसका रिव्यू भी देना है आपको। सो वेट कीजिएगा एंड पूरी की पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि फ्रेंड्स, मुझे क्या मिला? इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में कैंथी बोलते हैं, और चील का या फिर चीड़ भी उसको बोलते हैं, जो पेड़ होता है उसके फूल है ये। हाँ, फूल ही है ये, और ये वुडन है। देखो कितनी सुंदर है ये। कई जगह पे लोग इसे डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। और अभी मुझे दूसरी भी मिली है एक, जिसके अंदर इसके अंदर ना बीज भी होते हैं ये, और इनको खाते हैं। और मेरे को मिली है ये, अभी ढूंढती हूँ शायद और हो। ये देखो इधर भी है, बड़ी मुश्किल से। और ये ना मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, पर मुझे जो भी मिल रहे थे वो या तो सड़े हुए थे या बहुत पुराने थे। ये थोड़ा सा फ्रेश है, मतलब इसी साल का होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कैसे बीज होते हैं। टाइम हो गया और मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी 11 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी लस्सी है मेरे पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिर्ची लग गई है। वैसे दो मैंने निकाल भी दी है, और एक तो इधर और है। तो ये मिर्ची, प्याज और सारी चीज़ें सारा मिक्स करके छोटा छोटा बारीक बारीक काट के मैं लस्सी में नमक मिर्च डाल के, हाय क्या टेस्टी बनेगा वो। वैसे एक तरीके से ये रायता ही है, बस इसमें रायते वाले सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, और क्योंकि खीरा टमाटर वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं था तो जो था उसी में बनाया। पेट पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, अब ज़रा पिछले कल जो हेयर मास्क लगाया था उसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा। उसके बाद रात बहुत हो गई थी, और रात में धोती तो सिर दर्द हो जाता, और मैं बीमार नहीं होना चाहती आजकल कोरोना के टाइम पे, तो फिर इसलिए मैंने वो सिर पे ही लगा रहने दिया। यार ये बालों को क्या हो गया? चल गाइस, कुछ भी नहीं हुआ है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं तो कुछ भी नहीं होता बालों का। हाँ, वो थोड़ा लिक्विड यूज़ किया इस वजह से थोड़े इकट्ठे से हो गए हैं, और अभी धोने के बाद ठीक हो जाएंगे। चलो इनको धोते हैं। यार मैंने सारे कपड़े चेक किए, बस वही चेक नहीं किया जिसमें ये पैसे रखे थे, और वो गलती से मैंने भिगोने डाल दिए धोने के लिए, और इतनी डांट पड़ी ना। तो गाइस अभी मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, और ये सूख भी गए ऑलमोस्ट। बाकी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो टेक्सचर है बालों का वो मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा हो गया है। बाकी मुझे ये लग रहा है कि शायद जब मैं थोड़ा और यूज़ करूँगी तो हेयर ग्रोथ भी अच्छे से हो जाए। बट कुछ भी ऐसे अप्लाई करने के बाद ना, जो एक हल्कापन सा जो फीलिंग होती है ना, वो ऑसम होती है। हाँ जी आए, ये देखो, मतलब देखने से तो नहीं फील हो रहा उतना ज़्यादा, लेकिन सॉफ्ट हो गया काफ़ी हद तक, और डेफिनेटली अब तो मैं इसको यूज़ करूँगी। और मेरे पास अभी है भी जो मैंने कल बनाया, तो एक दो दिन बाद मैं फिर से अप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक मुझे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इससे। सो गाइस, रिजल्ट देखने के बाद मैं ऑनेस्टली बोलूँगी सॉफ्टनेस तो आई है बहुत ज़्यादा। अभी ग्रोथ का मुझे नहीं पता यार, एक वॉश से कुछ भी नहीं होता, एक बार यूज़ करने से कुछ भी नहीं होता। बट अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और टोटली नेचुरल चीज़ें यूज़ की है इसमें, लड़के लड़कियां दोनों ट्राई कर सकते। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में दो न्यू बेबी बॉयज़ आए हैं, तो एक से मिलने हम अभी जा रहे हैं, मैं और मम्मी, तो अभी आपको उससे भी मिलाऊंगी थोड़ी देर में। क्या हुआ? हाँ वीडियो बन रही है, से हाय बाय। क्या आप
ऐसे आई मैं, क्यों आ नहीं सकती मैं? क्यों ऐसे नहीं आ सकती मैं? सीढ़ी देखने के लिए आ सकती हूँ सिर्फ। ठहर बच्चा, आई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आई होगी, तूने ढूंढी नहीं अच्छे से। बैठने लगी है तब क्यों पहने दो? वाह स्टाइलिश। ये क्या किया मिस्टर स्टाइलिश? व्हाट इज दिस पगलेट? हमने आज का ड्रीम इलेवन का 1000 रुपया जीता है। बस कर पागल। नहीं तो तू उससे पहले क्या बोल रहा था? नेट नाए क्या बोल रहा था? बिना गाने के नाच रहा है। तो अभी शुरू करते हैं बिस्किट केक बनाना। इसके लिए मैंने बहुत सारे बिस्किट ले लिए हैं, और वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी और आज तो इतना खास दिन है तो ये बनाना तो बनता ही है। आप लोग अपनी पसंद की कोई भी बिस्किट ले सकते हो, मुझे जो अवेलेबल थे मेरे पास मैंने वो यूज़ किए हैं इसमें। तो अभी क्रीम को साइड करके बिस्किट को बारीक करके इसमें चीनी और दूध मैंने डाला है, और इसका एक पेस्ट इसका बनाना है, और उसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें थोड़ी सी मतलब बारीक बारीक करके वो मैंने इसमें डाले हैं, और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इनो ताकि इसमें थोड़े से बबल्स बनना शुरू हो जाएँ। और इसको डालने के बाद ना इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये हम डाल देंगे इसमें। ये मैंने तेल लगा के रख दिया ग्रीस करके। काफी है यार ये। अब मैं कैमरा सारा का सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है, और साइड साइड में तेल भी लगा दिया है, और मीन भाई ये भी मेरा तैयार है जो इससे बड़े वाला पतीला है। लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें पानी डाला जाए या रेत डाला जाए या नमक डाला जाए या खाली रखा जाए जिससे सबसे कम जले। अब मैं सोच रही हूँ ऐसे ही रख दूँ क्योंकि जलना तो है ये, और ये मैंने इसमें डाल दिया और ऐसे ही रख देती हूँ। आज रिस्क ले लेती हूँ और बिना अंदर कुछ भी नहीं डाला मैंने, ऐसे ही रखती हूँ, जरा देखते हैं क्या बनता है इसका। चूल्हा काला हुआ ना अगर तो मम्मी से डांट पड़ेगी क्योंकि उन्होंने आज ले पाई है, और ये काफ़ी हद तक काला हो भी गया। तो फिर मिलते हैं 25 मिनट बाद, पर मेरे को आँच थोड़ी कम रखनी पड़ेगी क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। ओ माई गॉड, टाइम तो डबल हो गया, 35 to 40 मिनट्स हो गए हैं। एंड सीधा मेरे को लग रहा है ये जल तो नहीं गया कहीं। एक मिनट कैसे चेक करूँ अब? ठीक है यार पक गया, ये जल ना जाए कहीं नीचे से। इसको निकाल ही दूँ मैं, ये मैंने निकाल दिया, और अभी इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। चलो बाकी देखते हैं सही सलामत निकलेगा कि नहीं निकलेगा। काफ़ी टाइम हो गया है अब मुझे लग रहा है, वैसे तो इसने किनारे छोड़ रखे अपने पहले ही, बट अभी जब तक मैं इसको अच्छे से ना निकालूं मुझे डाउट रहेगा तब तक कि अच्छे से निकला है कि नहीं निकला है। तो मैं इसको अभी थोड़ा थोड़ा इस तरीके से साइड साइड से ऐसे कर देती हूँ। और सी द केक परफेक्टली बेक हो गया ये। रेडी है, थैंक गॉड ये ख़राब नहीं हुआ। डेकोरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स थी, चॉकलेट्स थी, बस दैट्स इट। फीलिंग हैप्पी हैप्पी। सब में मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, ये जो सुबह लाई थी, मैं इसके बीज दिखाती हूँ आपको। मुझे नहीं पता था इसको क्या बोलते हैं, बस इतना पता था कि चील का जो फ्रूट है कैंथी जिसको हमारे बोलते हैं,
उसके अंदर ही होते हैं और इनको खाते हैं, बस इतना पता था। तो मम्मी आए, मम्मी बोलते क्यों तूने क्या चील की नर्सरी देनी है? मैं कहा हाँ यार मम्मी वो भी अच्छा तरीका है। बोलते कम है चील के पेड़? मैं कम तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा दूर है वो उधर को, इधर नज़दीक होने चाहिए घर के पास आस। तो फिर अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ ये, ठीक है? ऐसी ये दिखती है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। ये देखो इधर ऐसे, और ये इसके अंदर का बीज है जो मैं आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ। से रिलेटेड एक कहानी है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊँगी अगर टाइम रहा तो। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। ये देखो और इनको खाते हैं। फिर से सारी स्टोरी बता दी, लेकिन लड़की ने वो नहीं बताया कि इसका नाम क्या है। तो इसको हमारे बोलते हैं शांति, मम्मी ने बताया मुझे, मुझे नहीं पता था। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। और दूसरी बात, वो जो मैं कहानी बोल रही थी वो मैं आज नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वो थोड़ी लंबी कहानी है, कभी और बताऊँगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार वो मैं कभी और बताऊँगी क्योंकि आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसमें। ये अब आया कि कटिंग का टाइम, बट अभी मैं और मम्मी ही हैं, पर कोई बात नहीं फिर भी कट कर लेते हैं, मम्मी से कटवा लेते हैं केक। तो थाले खाने तरीके का ही लगा करो पता। मदर्स डे यार, मम्मी पापा के लिए अपना प्यार दिखाना बहुत मुश्किल होता है। दिखा भले ही ना पाओ लेकिन जताना तो जरूर चाहिए, और दिखाती तो मैं भी नहीं हूँ। मैंने मम्मी को अभी अभी ये ऑफर किया, इसके अंदर कुमानी है और मम्मी को लगा कि लड्डू है। आप में से काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ध्यान दिया होगा वो ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहा था कि मैं छोटे से बेबी की से मिलने जा रही हूँ, लेकिन मैं तो उससे मिलने ही मतलब मैंने कुछ भी दिखाया नहीं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार था और हम लोग जैसे ही पहुँचे उसको वैसे ही हॉस्पिटल लेके गए, एंड हम लोग इसी वजह से इतने दिनों से भी नहीं गए थे मिलने कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए छोटे से बेबी के साथ। तो फिर देखते हैं अभी वो ठीक हो जाएगा उसके बाद उससे मिलने जाएंगे। एंड आई थिंक आज के ब्लॉग को यहीं एंड कर देना चाहिए, बहुत जल्दी मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग लेके आऊँ, बट एक्चुअली यार घर पे थोड़ा काम होता है, पढ़ाई एंड ऑल सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए डेली ब्लॉग लेके आना, बट मैं कोशिश करूँगी। बट आप लोग सेफ रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।